गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। 24 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स करने हैं। इस महीने की जो पीडीएफ रहेगी वो मैं 31 अगस्त को आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सूखा सहिष्णु फसल यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। सूखे को टॉलरेट कर लेती हैं, जैसे आपने मैंग्रोव के बारे में पढ़ा है, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट मैंग्रोव को बोला जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में लवण सहिष्णु पौधा बोलते हैं। इनको साल्ट टॉलरेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास एक खास चीज़ है, और इनके पास खास चीज़ यह है कि इनकी बॉडी में जो भी सॉल्ट रहता है ये इसको सीक्रेट कर देता है, निकाल देता है, यानी अपने शरीर से नमक को बाहर निकाल देना इनको सॉल्ट टॉलरेंट बनाता है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो ब्रीदिंग करते हैं वो एटमोसफियर से करते हैं, निमोटोफोर्स की हेल्प से करते हैं। निमोटोफोर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक तरह की स्पेशलाइज रूट होती हैं, जड़ होती हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की, जो पानी की सतह से बाहर निकल आती हैं और यहीं से ऑक्सीजन को इंटेक करती हैं। तो ऑक्सीजन लेने की खास बात इनके पास है, सॉल्ट को अपनी बॉडी से सीक्रेट कर पाना, निकल पाना, ये इनकी खास बात है। ऐसे ही कुछ खूबियाँ इस फसल के पास होगी जो इस फसल को सूखे से टॉलरेट बनाती हैं, सूखे को सह ले जाती हैं। इन फसल को फ़र्क नहीं पड़ता सूखा है कि गीला है, इन फसल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है, इन फसल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिट्टी कैसी है, ड्राई है कि वेट है। तो चलिए इनको देखते हैं ये कैसे अपने आप को सूखे में भी जीवित रह लेती हैं। इनके बारे में जो करंट न्यूज है पहले वो देख लेते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है, इस स्टडी में इस फसल को सूखा सहिष्णु फसल के रूप में पाया गया। इस फसल का नाम क्या है, इसका नाम है पोर्टुला का ओलेरेसिया। इसका जो सामान्य नाम है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुल्फा, तो आपको कुल्फा याद रखना है। कुल्फा एक ऐसी खरपतवार है जो सूखे में भी अपने आप को जीवित रख लेती है। इस फसल को सूखा सहिष्णु बोला जा रहा है, इस बात से हम लोग को एक बात तो समझ में आ रही है कि इसको पानी की ज़रूरत कम पड़ती होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हर प्लांट की जो बॉडी होती है उस बॉडी में H2O का अमाउंट रहता है, H2O का कंटेंट रहता है, और जब पौधे रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ये H2O जो है वो बाहर वेपराइज हो जाता है पत्तियों के माध्यम से। पत्तियों में क्या है, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र हैं, छोटे छोटे से छिद्र हैं, जिन्हें माइक्रोपोर्स बोला जाता है। इन्हीं माइक्रोपोर्स के वजह से फोटोसिंथेसिस भी होता है और इन्हीं माइक्रोपोर्स के वजह से रेस्पिरेशन भी होता है। इससे पहले आपको थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो आपस में बिल्कुल विपरीत क्रियाएं हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधों को खाना मिलता है, ये खाना क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनपुट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है, और इनको पानी चाहिए होता है, फिर सनलाइट चाहिए होती है। ये हमें देते क्या हैं, ये ऑक्सीजन दे देते हैं और शुगर दे देते हैं। इस शुगर को ग्लूकोज बोला जाता है, इसी ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को इन प्लांट्स का फ्यूल बोला जाता है, इसी फ्यूल को इन पौधों का फूड बोला जाता है, खाना बोला जाता है, या फिर एनर्जी बोल लीजिए, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन निकल रही है इससे हम जिंदा रह जाते हैं, और ये जो शुगर बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, इससे पौधे जिंदा रह जाते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो बन रहा था वो रेस्पिरेशन का इनपुट होता है, और जो फोटोसिंथेसिस का इनपुट है वो रेस्पिरेशन का आउटपुट हो जाता है। ये सब निकल कहाँ से रहा है, ये सब उन्हीं पत्तियों से निकल रहा है, उन्हीं पत्तियों के पोर्स से निकल रहा है, माइक्रोपोर से निकल रहा है, रंध्रों से निकल रहा है। इन प्लांट्स को कंप्यूटर स्पीसीज भी बोलते हैं, प्रतिस्पर्धी प्रजाति भी बोलते हैं। प्रतिस्पर्धी प्रजाति का मतलब है कि इनके आसपास अगर कोई और पौधा रहता है तो इनके न्यूट्रिएंट्स ये सारे सप्लाई कर लेता है अपने पास में, तो फिर इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये सब चीज़ हम लोगों ने सीखा प्रकाश की अवधि से, इस प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये हर एक चीज़ को टॉलरेट कर ले जाती हैं। चलिए दूसरा टॉपिक है मिथिला मखाना। इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए GI टैग दिया जाता है। ये बिलोंग कहाँ से करता है, बिहार और नेपाल से, मिथिला क्षेत्र से वैसे बिहार लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मखाने के बारे में जानते हैं, इनका प्रोसेस बड़ा कठिन होता है बनाने का, आप देखना यूट्यूब पे अगर कभी समय मिले तो। तभी महंगा है, 800 रुपये पर KG है, बहुत लेबोरियस काम है इसको बनाना। बाकी ये जो रिच रहते हैं, प्रोटीन में रिच रहते हैं, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, ये सब होता है। GI टैग देता कौन है, GI रजिस्ट्री देती है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री देती है, जो चेन्नई में है। इनको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, और बाकी जो एक एक्ट है उसको भी हम लोगों को पढ़ना होता है।
वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, तो ये 1999 याद रखें। इंग्लिश में हो जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। चलिए, हंगर स्टोन्स, ये भूखे पत्थर क्या है भाई, रिसेंटली यूरोप सूखा से ग्रस्त था जिसके कारण वहाँ पर नदियाँ सूख गई। नदियाँ सूखने से हुआ क्या, उस नदी में जो पत्थर पड़े हुए थे जो उनके पूर्वजों ने एक समय फेंके थे और जिन पत्थरों पर बहुत मोटे मोटे आकार की नक्काशी भी है, नदी सूखने पर ये पत्थर बाहर उभर के आ गए, निकल के आ गए। ये शो कर रहे हैं यूरोप के पूर्वजों की चेतावनी को। ये हाइड्रोलॉजिकल मार्कर है, यहाँ पर पड़ी है। इन पत्थरों को यूरोप में पूर्वजों द्वारा नदियों में फेंका गया था जब नदियाँ आमतौर पर सूख जाती थी और अकाल भोजन की कमी हो जाती थी। इन पर अनूठी नक्काशी की गई है और जो याद दिलाते हैं कि अगर नदी का जल स्तर वाटर लेवल इस बिंदु तक आ गया तो भूखे मर जाओगे, इसलिए इनको हंगर स्टोन बोला गया, ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने। आंकड़े कौन से फाइनेंशियल ईयर के जारी किए, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के। यहाँ देखिए 2019 से पहले 2020 चलिए, 2019 से 20 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसका मतलब है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जब लॉकडाउन चल रहा था, तो यहाँ पे वृद्धि दर वगैरह सब डाउन थी। उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में जब असेसमेंट किया गया तो बहुत ज़्यादा डेटा इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसी के डेटा रिलीज किए गए। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे यूपी की क्या स्थिति रही, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी और केरल अपवाद है, इन दो राज्यों के जो डेटा है इनके लॉकडाउन की स्थिति से भी बेकार डेटा है, तो ये आपको मार करके चलना है। आंध्र प्रदेश ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है 43% की, ठीक है, आप यहाँ पे यूपी केरल याद रखें, हो जाएगा। चलिए, दही हंडी को खेल का दर्जा दे दिया गया है, महाराष्ट्र में दही हंडी को खेल का दर्जा मिल गया। इस खेल को एडवेंचर स्पोर्ट्स भी माना जाएगा। इस खेल में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, सरकारी नौकरी में 5% का रिजर्वेशन भी मिलेगा। चला जाए क्या महाराष्ट्र, 1907 से मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम होता है, विदेशी देशी भी लोग देखने आते हैं। चलिए अंतिम पंगल, ये कौन है, ये 17 साल की लड़की हैं, इन्होंने अंडर 20 कैटेगरी में विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं और ये अचीवमेंट इनकी ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये गोल्ड मेडल अभी तक मिला ही नहीं था लेकिन इन्होंने साकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट है सीपैक प्राधिकरण, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये BRI का भाग है जिसको चाइना लीड करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अभी हाल ही में चाइना ने सीपैक प्राधिकरण को ख़त्म करने के पाकिस्तान के फैसले को मंजूरी दे दी है। ऐसा क्यों किया, ऐसा स्थानीय विरोध के कारण हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि पाक आर्मी गिलगित बलूचिस्तान में क्या कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी सीपैक के नाम पर वहाँ पर जमीन हड़प रही है, कहाँ पर, गिलगित बलूचिस्तान में, और ये कहाँ पर है, ये POK में है, यानी ये इंडिया का भाग है, तो इसके चलते चाइना की बेइज्जती तो हो ही रही है। और थोड़ा चाइना को मजा भी चिखा दिया था बलूचिस्तान वालों ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने, अभी अप्रैल 2022 में देखा होगा आपने सुसाइड बॉम्बिंग, 3 लोग मार दिए थे, 3 चीनी लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो थोड़ी सी आँखें तो खुली हुई होंगी इनकी। बाकी सीपैक के बारे में जान लीजिए, 3000 किलोमीटर लंबा एक रूट है, कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो ग्वादर पोर्ट से चाइना के कासगढ़ तक जा रहा है, ग्वादर से लेके लाहौर, लाहौर से यहाँ पर फिर POK में एंट्री करता है, और ये वाला जो रीजन है यह है गिलगित बलूचिस्तान, यहीं पे पाक आर्मी कारनामा कर रही है, इसी के चलते विरोध हुआ है, विरोध के कारण सीपैक प्राधिकरण को यहाँ पे ख़त्म करने की बात की जा रही है। ठीक है भैया, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे, बहुत बहुत शुक्रिया।